डॉक्टर MS परवाज ने बांटा कंबल, लगातार मुफ्त इलाज कर गरीबों की कर रहे सेवा। जमुई जिला से वसीम अकरम की रिपोर्ट। लाइफ केयर सेंटर के संचालक सह डॉक्टर MS परवाज लगातार गरीबों की सेवा में लगे हुए हैं। महज कुछ दिन पहले आंखों के इलाज से लेकर मुफ्त दवाएं और लेंस के वितरण के उपरांत इन्होंने कंबल वितरण किया। बताते चले कि झाझा के रिटायर्ड कॉलोनी और पुरानी बाजार के असहाय लोगों के बीच इन्होंने कंबल वितरण का काम 28 दिसंबर को किया। जमुई जिला के जाने माने समाजसेवी सह डॉक्टर MS परवाज के द्वारा यह काम हर साल किया जाता रहा है। इन्होंने इस साल भी जिला के कोने कोने में जाकर अपने निजी खर्चे से गरीबों के बीच कंबल वितरण का काम किया है और कर रहे हैं। इनके द्वारा जिला के कोने कोने में जाकर गरीबों के स्वास्थ्य के लिए लाइफ केयर सेंटर का आयोजन किया जाता है, जिनमें मुफ्त स्वास्थ्य महाशिविर लगाया जाता है और गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता है। इनमें सभी तरह के रोगों का इलाज होता है और सभी रोगों के जानकार डॉक्टर आते हैं, जिनका फीस मात्र 25 रुपए होता है। आए हुए गरीबों के बीच कंबल वितरण करने क्या कहना चाहेंगे? कि सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ, नए साल की शुभकामनाएं। जहाँ तक अन्नदाता की सवाल है, ऊपर वाला है अन्नदाता तो वो है, और गरीबों के मसीहा की जहाँ तक सवाल है ये भी ऊपर वाला है। ऊपर वाला ही जब करता है तो हम लोग करते हैं। सर, लाइफ केयर सेंटर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? लाइफ केयर सेंटर हम लोगों ने जो शुरू किया है, क्योंकि 11 साल बीते, 11 साल से हमारी हॉस्पिटल चल रही है सफलपूर्वक, तो हम लोगों ने ये देखा कि गरीबी के कारण से बहुत हालात ख़राब होते जा रहे हैं, तो हम लोगों ने उसी की एक यूनिट खोला है लाइफ केयर सेंटर, जिसमें जमुई के लगभग अच्छे डॉक्टर अपने अपने दिन चैरिटी टाइप की किया है हम लोगों ने, जैसे डॉक्टर SN झा हो गए, डॉक्टर सुमित हो गए, डॉक्टर मनीषी आनंद हो गए, ठीक है, डॉक्टर दयाल हो गए आपके, और डॉक्टर एस राज हो गए दांत के, और फिजिशियन के ऐसे से हम लोग सब लोग बैठकर हम लोगों ने एक राय किया और इसकी शुरुआत कर दिया है। और उसमें 25 रुपये पर डे, 25 रुपये पर काम होगी, 25 रुपये आउटडोर की टिकट कटाएं आप और आप अपने को दिखा लें, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज, फ्री ऑफ कॉस्ट। दवा, दवा का क्या? दवा में ऐसे है कि और सब कंपनी को हम लोगों ने कहा है, जी जो कंपनी बड़ी कंपनियां हैं उनसे हम लोगों ने मेल किया है, मेल पे संपर्क किया है कि कुछ हम लोगों को दवा भेजिए, जो ये सैंपल की दवाइयाँ हों, ताकि हम लोग गरीबों को दे सकें। जहाँ तक संभव होता है कुछ ना कुछ दवाइयाँ भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। जिस तरीके से गुजरा है, रात में अगर हम सोते हैं तो रात की नींद हराम हो जाती है। कितने मेरी माँ की मांग किससे दूर भूल गया, कितने का कोक सुना हो गया ड्यू टू कोरोना। कोरोना ये बता दिया है कि जो हम करेंगे मेरे साथ ही जाएगा, बकिया कोई किसी को नहीं पुचकार है। यहाँ तक कि मैं अगर इस टाइप की हो जाती है तो उसकी लाश को उनकी पत्नी, उनके बेटे भी लेना गवारा नहीं करते। ये बहुत बड़ी बात लेसन हो गई। मैं 3 मुहिम चला रहा हूँ। एक पहला ये कि थर्ड वेव के लिए आप अपने को तैयार हो जाएं, ताकि आने वाले बड़ी समस्या से हम जूझ रहे हैं, इससे हम लोगों को निजात मिल जाए। दूसरा है कि मैं भी कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, अपने पैसे अपने वेतन के कमाई से मैं कुछ कंबल खरीद कर वैसे लोगों के बीच देता हूँ, क्योंकि गरीबी में खुद पला हूँ और गरीब कैसे हैं ये मुझे अच्छी तरह पता है, क्योंकि गरीबी की थपेड़ों ने ज़बरदस्त थपेड़ा मारी बचपन। आज उसी की प्रेरणा से मैंने एक दूसरा हमारी हॉस्पिटल प्रवाज हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के बाद एक नई सेंटर मैंने खोला है, जो लाइफ केयर सेंटर के नाम से। इसमें सभी स्पेशलाइजेशन के योग्य डॉक्टर, योग्य डॉक्टर के मतलब कि क्वालिफाइड डॉक्टर। हमारी सौभाग्य है कि डॉक्टर SN झा अपनी समय दे रहे हैं, बच्चे के डॉक्टर ऐसे, डॉक्टर सुमन हैं, डॉक्टर दयाल मंडल हैं, जैसे आँख के डॉक्टर अलग, डॉक्टर एस राज भी हैं, दांत के डॉक्टर अलग, फिजिशियन मैं खुद, सर्जन और सभी लोग उसमें हैं, केवल 25 रुपया के कंसल्टेशन फी पे। एक्चुअली ये प्रेरणा हमको मेरी माँ से मिली है कि बहुत आज से 6-7 महीना पहले मैंने अपने माँ को खो दिया है, मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए। मैं समझ रहा हूँ कि परिस्थिति क्या होती है,
मैं बाप बना का इकलौता बेटा था, बहुत प्यार करते थे अपनी माँ और बाप को। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि फिर कोई ऐसा खोख सुना हो, और मैंने एक संकल्प लिया है कि मेरे जीते जी किसी की कान की बाली नहीं बिकेगी, अब किसी के मेरे जीते जी किसी की जमीन गिरवी नहीं होगा, ये हमारा स्लोगन है। इलाज के लिए रात भर हमारी हॉस्पिटल खुली हुई है, और इसी के नाते हम आए हैं कि आपको ये बता दें 25 रुपये में हम लोग इलाज कर रहे हैं। अभी सब जगह हमारी बड़ी बड़ी कैंपें चल रही हैं, दवा के साथ दवा भी फ्री। तो मैं वैसे लोगों को अपने तरफ से एक छोटी सी भेंट है, जो कंबल है, जो हर क्षेत्र में दी जा रही है, लगभग क्षेत्र में दी जा रही है। तो इसी के साथ मैं आने वाले समय में, आने वाले दिन सन 2022 का शुभकामनाएँ और ढेर सारी बधाई आपको, और जितनी भी कष्ट आपको काटना था आपने काट लिया 2021 में। मैं नहीं चाहूँगा कि भगवान फिर 2022 में ऐसा समय लाएं। सबको कुशल मंगल रखें, सबको अच्छी तरह से रखें, ये हमारी कामना है। जय हिंद, जय भारत।